सो हे गाइस, फाइनली ट्रैम की स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X रिवील हो गई है। फिलहाल में इस बाइक को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करा गया है और ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में 5 जुलाई को लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी ऑफिशियली। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बाइक के सभी अपडेट्स के बारे में, बाइक में कौन सा इंजन है, कितनी पावर है, कौन कौन से फीचर्स है और लॉन्च होने पर इंडियन मार्केट में इसका क्या प्राइस रखा जाएगा। सो आई नो आप में से अभी काफी लोग हैं जो फिलहाल में इस बाइक को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस बाइक के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 150 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो बाइक में आपको मिलता है 400cc का लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 37.5 Nm का। बाकी फीचर्स में बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मिलते हैं, डुअल ABS है बाइक में आप सभी की सेफ्टी के लिए और कंसोल बाइक का सेमी डिजिटल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे और आपको दोनों ही मॉडल में स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है। हालांकि जो स्विचेबल ABS है वो आपको सिर्फ स्क्रैम्बलर मॉडल में देखने को मिलेगा बैक साइड में। और बाइक के सस्पेंशन में दोनों ही बाइक में 43mm के अपसाइड डाउन फोर्क है और बाइक के रियर पार्ट में गैस चार्ज मोनोशॉक अब्सॉर्बर है जिससे आपको बाइक में काफी कंफर्ट मिलने वाला है। और बाइक की ब्रेकिंग में स्पीड 400 में फ्रंट पार्ट में है 300mm के डिस्क ब्रेक और जो बाइक का स्क्रैम्बलर मॉडल है उसमें इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रखा है, आपको इसमें 320mm के डिस्क ब्रेक मिलेंगे फ्रंट पार्ट में। और दोनों ही बाइक में रियर पार्ट में 230mm के डिस्क ब्रेक है। और बाइक के डायमेंशन में जो स्पीड 400 है उसमें आपको 170kg का कवेट देखने को मिलता है और स्क्रैम्बलर में 179kg का कवेट है। और बाइक की सीट हाइट में भी थोड़े बहुत चेंजेस है दोनों ही मॉडल में। स्पीड 400 में आपको मिलती है 790mm की सीट हाइट जो काफी कंफर्टेबल होने वाली है शॉर्ट राइडर के लिए, लेकिन बाइक के स्क्रैम्बलर मॉडल में आपको इसमें 835mm की सीट हाइट मिलेगी जो बिल्कुल फेवर में नहीं रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। दोनों ही बाइक में आपको सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलती है और जो बाइक का डिजाइन है वो 100% सिमिलर है ट्रायम्फ की लार्जर CC सेगमेंट में आने वाली बाइक से। तो जो स्पीड 400 है उसको थोड़ा सा रोस्टर कैटेगरी में रखा है, नॉर्मल सिटी राइड के लिए थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग के लिए आप इस बाइक को यूज कर सकते हो। और जो बाइक का स्क्रैम्बलर मॉडल है वो उनके लिए बेटर रहेगी जो ट्रैवलिंग में ज्यादा फोकस करते हैं, इंडियन सिटीज में इस बाइक को यूज करना थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। बाकी स्क्रैम्बलर में आपको फ्रंट पार्ट में वाइजर, नकल गार्ड्स और बाकी एसेसरीज भी मिलेगी ट्रायम्फ की तरफ से। और जो एडिशनल एसेसरीज आने वाली है लाइक हेडलाइट ग्रिल्स, नकल गार्ड्स, हैंडल बार माउंटेड मिरर्स, ये सब आपको ऑफिशियली ट्रायम्फ इंडिया ऑफर करेगी। बाकी दोनों ही बाइक में आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और ये बाइक आपको 30 km/h का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। तो जो ट्रायम्फ स्पीड 400 है उसका प्राइस रखा जाएगा 290,000 के एक्सशोम प्राइस पर और जो स्क्रैम्बलर मॉडल है उसका प्राइस रखा जाएगा 320,000 के एक्सशोम प्राइस पर। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो बजाज ट्रायम्फ के कोलैबोरेशन में आने वाली बाइक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर देना और मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना मत भूलना कि क्या इस प्राइस रेंज में ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में स्टैंड कर पाएगी या नहीं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।